हेलो बच्चों दिस इज ओपी गुप्ता योर मैथ मैथमेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता आज के लेक्चर में हम लोग एम सीरीज में कौन सा टॉपिक लेंगे टुडे वी आर गोइंग टू टेक डेफिनेट इंटीग्रल्स बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन लेक्चर्स ऑफ एम ऑन द टॉपिक मेट्राइसिस डिटर्मिनेंस इन वोस्टिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉन्टिनिटी एंड डिफ्रेंशिबिलिटी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इन डेफिनेट इंटीग्रल्स ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर टूडेज टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रल्स ठीक है बच्चों तो यहां पर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वन से क्वेश्चन वन में क्या बोला हुआ है गिवन दैट ये आपके पास एक इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है ठीक है देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल अगर आप दोनों इंटीग्रेंड को ध्यान से देखें यहां पर क्या है बच्चों ताइन थ्री एक्स क्स यहां पर क्या है साइन थ्री थीटा कॉस थीटा सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को भी देख रहे होंगे बिल्कुल सेम है वो दोनों बिल्कुल सेम है बेसिकली यहां पर अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद हो किसी भी इंटीग्रल में अगर वेरिएबल एक्स है आप सिर्फ वेरिएबल को अगर चेंज कर रहे हो तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो आपको आंसर हाफ दिया हुआ है वही आंसर इसमें भी आएगा ऑप्शन डी को देखिए क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन डी सही हो गया ठीक है बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू यह भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड यह जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू जीरो कब आती है तो अपने ऑप्शंस को एनालाइज करिए अगर आपको याद आ गया हो तो अच्छी बात है वरना प्रॉपर्टी लिख रहा हूं आज की क्लास में ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जहां पर ये प्रॉपर्टी कई बार यूज होगी तो आप ध्यान से देखना बेटा ये जो इंटीग्रल होता है इसकी दो अलग अलग वैल्यूज आती हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं टू टाइम्स दिस इंटीग्रल अब ये कब होता है तो ये तब होता है जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाए ठीक है इसी इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आती है अब ये कब होता है जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन टाइम्स एफ एक्स ठीक है हमारे क्वेश्चन नंबर टू में इंटीग्रल की वैल्यू जीरो है मतलब ये वाली कंडीशन तो आप एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स वाला ऑप्शन देख लो एक्टर ऑफ टू है प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना आगे भी यूज होगा नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर थ्री रहा बच्चों इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है लिमिट्स आपको दिख रही होंगी सीकेर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा टेन एक्स जिसपे हमें लिमिट लगानी है माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर वाली अपर लिमिट डालोगे टेन पाई फोर माइनस लोअर लिमिट यानी टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बाई फोर टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन होती है टेन माइनस पाई बाई फोर के लिए आंसर आएगा माइनस वन यानी पूरा सिंप्लीफाई होकर आपको देगा टू दैट इज ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन थ्री के लिए ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर फोर लेते हैं वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर अब यहां पर इस इंटीग्रल की वैल्यू हमें निकालनी है एक्स के ऊपर कंडीशन दे रखी है सबसे पहले मैं यहां पर प्रॉपर्टी लिख देता हूं आपके लिए जो प्रॉपर्टी हमें यहां यूज करनी होंगी आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को देख रहे होंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन लोअर लिमिट नेगेटिव है तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन ये वाली जो प्रॉपर्टी बनती है ना उसके यूज होने के चांसेज हैं तो मैं यहां पर प्रॉपर्टी लिख रहा हूं सबसे पहले आप लोगों के लिए ध्यान से देखना बेटा अब ये प्रॉपर्टी भी आज की क्लास में कई बार यूज होने वाली है इसलिए यहां पर लिख रहा हूं आगे नहीं लिखूंगा ठीक है इसका आंसर आता है टू टाइम्स जीरो टू ए, एफ एक्स डी एक्स अब ये कब होता है जब फंक्शन इवन फंक्शन हो और इवन फंक्शन के लिए कंडीशन होती है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ठीक है ये कंडीशन है इवन फंक्शन के लिए ओके okay, बेटा ऐसे ही इस इंटीग्रल का आंसर जीरो आता है कब जब फंक्शन ऑड फंक्शन हो ऑड फंक्शन की कंडीशन ये रहती है ठीक है यानी ये कंडीशन किसके लिए बताया मैंने ऑड फंक्शन ठीक है बच्चों अब अपने क्वेश्चन में देखो आपके पास जो इंटीग्रेंड है ना उसे चेक करना पड़ेगा कि ये इवन है या ऑड है वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एंगल इन का एंगल है वन अपॉन एक्स ठीक है बच्चों इसमें हम एक्स की जगह पर माइनस एक्स पुट करेंगे ठीक है तो ये बनेगा वन अपॉन माइनस एक्स का ये है और एंगल में वन अपॉन एक्स लेकिन एक्स की जगह पे हम रख रहे हैं माइनस एक्स ये तो आपका वन अपॉन एक्स बन जाएगा लेकिन यहां पर अगर आपको याद है क्लास इलेवेंथ की चीजें हैं ये साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा मतलब इस नेगेटिव को आप बाहर निकाल सकते हैं मैंने ब्रैकेट लगाया है ध्यान से देखना तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ वन अपॉन एक्स ठीक है बेटा इस नेगेटिव को आप सबसे आगे लगा दोगे तो आपका फंक्शन एफ एक्स ही बन गया एक बार ध्यान से देखिए हमें क्या मिला हमें मिला एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स मतलब फंक्शन एफ इवन है कि ऑड है तो ये ऑड फंक्शन है इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ठीक है ओके तो मतलब प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके हम ऑप्शन बी को यहां पर मार्क कर देंगे क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन बी सही हो गया ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन फाइव की तरफ ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर फाइव इसमें हमें लिमिट दिया हुआ है वन से ई तक लॉग एक्स अपॉन एक्स इसका हमें इंटीग्रल वैल्यू निकालना है आप चाहो तो सब मेथड से भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो ध्यान से देखना मैं कैसे बताऊंगा आपको फंक्शन इन टू डेरिवेटिव अगर ऐसे हैं है ना तो आप इसे क्या लिख सकते हो फंक्शन की पावर में टू अपॉन में टू प्लस में सी क्योंकि ये जो कंसेप्ट बता रहा हूं ये तो इनडेफिनेट इंटीग्रल वाला कंसेप्ट बता रहा हूं आपको इस क्वेश्चन में फंक्शन है लॉग एक्स जिसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स तो आपके क्वेश्चन में है तो सही देख लो ध्यान से ठीक है यानी फंक्शन भी है डेरिवेटिव भी है और लिमिट्स हैं वन से ई तक तो मैंने क्या बताया शॉर्टकट आपको फंक्शन का हॉल स्क्वायर यानी लॉग एक्स का होल स्क्वायर ठीक है पूरे के नीचे टू बस इंटीग्रल तो आ गया अब इस पे हमें लिमिट्स भी लगानी है ठीक है बच्चों अगर आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो कि ये लॉग एक्स होल स्क्वायर में लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी देखो ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप सोच रहे हो कि ये प्रॉपर्टी यहां लगेगी तो बेटा नहीं ध्यान से देखो x का स्क्वायर नहीं है log x का होल स्क्वायर है समझे तो फिलहाल यहां पर इस वन बाय टू को हम बाहर करते हैं अपर लिमिट डालेंगे तो इट विल बी log e का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो ये बनेगा लॉग वन का स्क्वायर ठीक है लॉग वन की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी जीरो का स्क्वायर छोड़ देंगे हम और लॉग ई की वैल्यू रहती है वन तो वन का स्क्वायर यानी सिर्फ वन ही रहेगा यानी ये पूरा ब्रैकेट आपको वन माइनस जीरो यानी वन देगा तो फाइनली आपका आंसर आएगा हाफ ऑप्शन सी को चेक करिए क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन सी सही हो गया ठीक है लेट्स नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स अब इस क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन है x कॉस स्क्वायर एक्स लिमिट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लोअर लिमिट नेगेटिव है यानी इस इंटीग्रेंड को मैं चेक करूंगा इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के लिए ठीक है बच्चों तो यहां पर फंक्शन अगर हम लिख लें x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो इसमें x की जगह पे हम माइनस एक्स पुट करेंगे x की जगह पे माइनस एक्स अब सुनना ध्यान से कॉस माइनस थीटा वैसे भी प्लस कॉस थीटा होता है क्लास इलेवेंथ की चीजें हैं और यहां तो स्क्वायर भी लगा हुआ है कहने का मतलब कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स तो सिर्फ कॉस स्क्स ही रहेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जो बाहर माइनस एक्स है इसे ऐसे लिख लो और अब ये क्या बन गया माइनस एफ एक्स के इक्वल कौन तो एफ ऑफ माइनस एक्स अब इस कंडीशन में फंक्शन एफ इवन हुआ कि ऑड हुआ तो ये तो ऑड फंक्शन हुआ ठीक है प्रॉपर्टी में आज के लेक्चर में पहले बता चुका हूं तो प्रॉपर्टी का यूज करके अगर इंटीग्रेंट ऑड फंक्शन है तो फिर आंसर आएगा जीरो यानी सिक्स का ऑप्शन भी सही हो गया ध्यान से देखिए ठीक है, है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेवन लेते हैं बच्चो सुनाव वी हैव क्वेश्चन नंबर सेवन यहां पर इस इंटीग्रल की वैल्यू को लेमडा के इक्वल बोला गया है आपको इसका वैल्यू निकालना है कैसे करेंगे ध्यान से सुनना सबसे पहले इंटीग्रल को लेते हैं जरा इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देंगे मैं क्या करने वाला हूं ध्यान से देखना बच्चों जीरो से पाई बाई टू लॉग फोर प्लस थ्री साइन एक्स है ना एंगल एक्स को चेंज करो पाई बाई टू माइनस एक्स प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं कौन सी प्रॉपर्टी अभी मैं साइड में लिख के दिखा दूंगा थोड़ा सा वेट करिए ठीक है ये ऐसे हो जाएगा अब प्रॉपर्टी क्या यूज कर रहा हूं यहां देखो ध्यान से बेटा जीरो से एफ एक्स ठीक है तो ये बन जाएगा जीरो से एफ ऑफ वेरिएबल एक्स की जगह आप लिखेंगे ए माइनस एक्स यानी अपर लिमिट माइनस एक्स ऐसे वेरिएबल एक्स को रिप्लेस कर देंगे अपर लिमिट माइनस एक्स से तो यहां अपर लिमिट पाई बाई टू था एक्स को रिप्लेस कर दिया यहां बन जाएगा फोर प्लस थ्री कॉस एक्स ऐसे ही कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है तो साइन एक्स होता है तो बन जाएगा फोर प्लस थ्री साइन एक्स ठीक है अब एक लॉग की प्रॉपर्टी भी लगाएंगे यहां देख लो ध्यान से लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन अपॉन ए अब इन दोनों को इक्वल करना हो ना तो यहां माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है यानी जिस चीज के ऊपर लॉग लगा हुआ है उसका रेसी प्रॉपर लोगे, तो बाहर एक नेगेटिव आ जाएगा तो यहां पर जीरो से पाई बाय टू लिमिट एज इट इज नेगेटिव लॉग ध्यान से देखिए फंक्शन जिस पे भी अप्लाई हुआ था उसका हम उल्टा करके लिख रहे हैं यानी रेसिप्रोकल लेके लिख रहे हैं इसलिए बाहर एक नेगेटिव ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं ठीक है अगर आप इस पूरे इंटीग्रल को ध्यान से देखें और इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो ये पूरा माइनस लेमडा के इक्वल हो जाएगा माइनस लेमडा क्यों बच्चों क्योंकि तो ये नेगेटिव बाहर करो ये पूरा इक्वेशन फर्स्ट में आपका इंटीग्रल बन चुका है ध्यान से मैच करके देख लो ठीक है बच्चों तो ये पूरा अभी तक लेमडा के इक्वल चल रहा है माइनस लेमडा को आप एल में शिफ्ट करेंगे सो इट विल गिव यू टू लेमडा इज इक्वल टू जीरो एंड फाइनली वैल्यू ऑफ लेमडा विल बी इक्वल टू जीरो यानी लेमडा की वैल्यू आ चुकी है जीरो के इक्वल अब इसे लेके चलो अपने क्वेश्चन में यहां देखिए पावर में क्या है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री लेमडा लेंडा की जगह जीरो पुट करोगे तो ये पूरा बन जाएगा टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर की पावर में जीरो मतलब आंसर है वन ऑप्शन बी को चेक करिए क्वेश्चन सेवन का ऑप्शन बी सही हो गया अच्छा क्वेश्चन है ठीक है नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर एट हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर एट यहां पर इस इंटीग्रल की वैल्यू को पाई अपॉन एट के इक्वल बोला गया है आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है ए यहां पर आपको दिख रहा होगा अपर लिमिट में ठीक है बच्चों कैसे करेंगे ध्यान से देखिए डीएक्स अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर है तो इसे आप ऐसे लिखो लिमिट है जीरो से ए पहले मैं सिर्फ इंटीग्रल को ही सॉल्व कर ले रहा हूं ठीक है तो ये क्या बनेगा ये बनेगा टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन डायरेक्टली टू एक्स ही रहने दो और फिर टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा दैट इज टू उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे क्योंकि टू एक्स लीनियर था ठीक है बच्चों इस पर लिमिट है जीरो से ए और ये पूरा है पाई अपॉन एट के इक्वल यहां देख सकते हो आप ठीक है तो ये टू से एट कट जाएगा पाई अपॉन बनेगा अपर लिमिट लगाएंगे इट विल बी इनवर्स इनवर्स माइनस लगा जीरो, यानी जीरो ही रह जाएगा, और ये पाई बाई फोर तो बन ही चुका है वन बाई टू और पाई अपॉन एट में से डिनोमिनेटर वाला टू इस एट को काट देगा तो डिनोमिनेटर में फोर बच जाएगा ठीक है बच्चों टेन इनवर्स जीरो तो जीरो होता है तो आपको मिलेगा टेन इन वर्स टू एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर दोनों तरफ टेन फंक्शन अप्लाई करोगे सो यू विल हैव इज इक्वल्स टू तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 1 2, x की वैल्यू वन बाई टू यानी ऑप्शन बी को चेक करिए क्वेश्चन एट्थ का ऑप्शन बी सही हो गया ठीक है आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर नाइन लिमिट है माइनस टू से टू यानी इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाला इशारा है लेकिन क्या इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कर तो सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बट अगर मैं इवन फंक्शन ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी से करूं तो और जल्दी हो जाएगा कैलकुलेशन करने से भी बच जाऊंगा मैं यहां ध्यान से देखना मैं इंटीग्रल्स को ब्रेक कर रहा हूं ठीक है लिमिट में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब ये जो एक्स क्यूब वाला है ना ये ऑड फंक्शन हो गया ये ऑड फंक्शन हो गया समझे चेक करके देखना है तो देख लो और अगर आपसे नहीं हो रहा हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरा नंबर तो आपको पता ही होगा ठीक है चलिए फिलहाल यहां पर सिर्फ ये बच गया अब इसको भी चेक करने का मन हो तो चेक कर सकते हो यह आएगा इवन फंक्शन और अगर मन ना हो तो कोई बात नहीं इसका इंटीग्रल आ जाएगा सिर्फ एक्स जिसमें आपकी लिमिट्स ये रही अपर लिमिट डालोगे ठीक है माइनस लोअर लिमिट डालोगे सॉल्व कर लो आपका आंसर फोर आ गया यानी ऑप्शन बी सही हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के लिए ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ चलते हैं नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर टेन लिमिट्स को फिर से देखो और यह सोचो कि यहां पर इवन फंक्शन और फंक्शन चेक करेंगे कि नहीं करेंगे मैं तो चेक करूंगा क्योंकि मेरा काम आसानी से हो रहा है इस तरीके से प्रॉपर्टी की हेल्प लोगे तो काम आसानी से ही तो होगा यह रहा आपका इंटीग्रेंट इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे न्यूमोरेटर में मॉडुलस फंक्शन है ठीक है तो ये तो आपका मॉड एक्स ही रह जाएगा नीचे आपका एक्स है को आगे लगा दो। और ध्यान से देखो, ये of minus x इसके इक्वल आ चुका है तो फंक्शन एफ आपका ऑड फंक्शन हो गया और अगर ऑड फंक्शन है तो यहां पर आंसर है ऑप्शन बी ठीक है अगर ऐसे नहीं करोगे तो कैसे करोगे एक तरीका और है इसमें आपको मॉड फंक्शन को रिडिफाइन करना पड़ेगा तो मॉड एक्स का मतलब एक्स होता है या माइनस एक्स यह कब होगा इस कंडीशन में और यह कब होगा इस कंडीशन में ठीक है बेटा तो यहां पर है माइनस वन से वन का लिमिट तो हम लिमिट को ब्रेक करेंगे माइनस वन से जीरो रखेंगे ठीक है और यह है मॉड एक्स अपॉन एक्स डी एक्स फिर जीरो से वन यानी हमने लिमिट को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी लगा दी है ओके इस इंटरवल में एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी रहेगी मतलब नेगेटिव रहेगी तो अगर एक्स जीरो से छोटा है मतलब है तो x, x है मतलब नेगेटिव तो इक्वल होता यानी यहां पर minus one से न्यू न्यूमरेटर वाला आएगा minus x, नीचे x पहले से ही है इसमें x की वैल्यू जीरो और वन इंटरवल के बीच में है मतलब पॉजिटिव है तो मॉड एक्स सिर्फ एक्स रहेगा यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो ये बनेगा एक्स अपॉन एक्स ये रहा डीएक्स नाउ दिस विल बी नेगेटिव वन डी एक्स लिमिट है माइनस वन से जीरो आएगा जीरो से वन का लिमिट वन डी एक्स ठीक है बेटा अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आपका आंसर फिर से वही आएगा जो यहां पर आया है कोई डाउट अगर है तो मुझे कमेंट करके बताना ठीक है खैर लेंदी मेथड है ये वाला मेथड जो मैंने बताया दिस इज मेथड नंबर टू ये लेंदी है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बेटा अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है किस तरीके से बनाया गया है ध्यान से देखिए ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है जीरो से पाई बाई टू का लिमिट है इसकी वैल्यू पूछी गई है ओके सुनना ध्यान से अगर मैं सिर्फ इसमें एल वाले को इंटीग्रल आई ले लूं तो यह है जीरो से पाई बाई टू लॉग साइन एक्स ठीक है अब यहां पर हम लगाएंगे प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी आज की क्लास में बता चुका हूं सोचो अपर लिमिट माइनस एक्स कर देंगे इन प्लेस ऑफ एक्स विच प्रॉपर्टी लेट मी राइट वंस अगेन जीरो से एफ एक्स डी एक्स क्या होगा जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने ऐसे लिख लिया अब इसके बाद यह है जीरो से पाई बाय टू लॉग कॉस एक्स तुमसे इसी का तो वैल्यू पूछा हुआ है बट इंटरेस्टिंगली अगर आपको याद हो तो इसकी वैल्यू क्या थी ये रही माइनस पाई बाई टू लॉग टू तो मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सेम रहेगी ना माइनस पाई बाई टू लॉग टू तो माइनस पाई बाई टू लॉग टू फिलहाल किसी भी ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन सी को देखिए ध्यान से लॉग हाफ दिख रहा है आपको इसका उल्टा कर दो मतलब लॉग टू करो तो बाहर एक नेगेटिव आएगा बाहर पाई बाई टू पहले से ही है और नेगेटिव के बारे में तो बता दिया मैंने लॉग फंक्शन के इनपुट का रेसिप्रोकल करोगे तो बाहर नेगेटिव आएगा ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई है आज के लेक्चर में और पहले भी कई बार हमने डिस्कस किया है ठीक है तो फिलहाल ऑप्शन सी वाला मैच हो जाएगा क्वेश्चन इलेवेंथ का ऑप्शन सी सही हो गया ठीक है आगे बढ़ेंगे नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व यह भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन इलेवन में मैंने डिस्कस किया यहां पर आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है गिवन ये है कैसे करेंगे ध्यान से सुनना इसमें आप x की जगह पर साइन थीटा पुट कर दो बच्चों। ठीक है तो dx क्या आएगा इट विल बी कॉस थीटा डी थीटा ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा dx अपॉन थीटा राइट अब इस कॉस् थीटा को आप साइन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा अंडर उट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा राइट अब तुमने साइन थीटा माना किसे था एक्स को माना था यहां देख लो पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा तो ये पूरा किसके इक्वल बन गया बेटा डी थीटा के इक्वल समझे ओके okay. यहां से डीएक्स अपॉन थीटा इक्वल टू डी थीटा आएगा तो नीचे वाले थीटा को मैं चेंज करता हुआ जा रहा हूं तो मुझे फिलहाल डीएक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वल टू डी थीटा मिल गया है अपने क्वेश्चन में देखिए dx अपॉन ये अंडर रूट वाला पूरा ये बन जाएगा डी थीटा लिमिट को भी चेंज कर लेंगे वेन एक्स इज then थीटा विल बी

थीटा और डीएक्स अपॉन ये पूरा स्क्वायर रूट किसमें कन्वर्ट हुआ था तो डी थीटा में ठीक है बेटा अब यहां से हम क्या करेंगे ध्यान से देखना डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल है थीटा इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा वेरिएबल एक्स से और ऐसा करने पर डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता बाय द चॉइस ऑफ वेरिएबल द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स रिमेन्स अन आज की क्लास का पहला क्वेश्चन भी अगर आपको याद हो वहां भी मैंने बताया था आपको ठीक है तो फिलहाल हमें मिला जीरो से पाई बाई टू के लिमिट में लॉग साइन एक्स यहां पर क्या दे रखा है सेम तो इसकी वैल्यू क्या है माइनस पाई बाई टू लॉग टू तो अपने ऑप्शन में देख लो माइनस पाई बाई टू लॉग टू ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा है ना इसको मॉडिफाई करोगे तो यही आएगा माइनस पाई बाई टू लॉग टू ऑप्शन सी वाले को पिछले क्वेश्चन भी तो एक्सप्लेन किया था मैंने ठीक है बच्चों फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तरफ चलते हैं बच्चों सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर थर्टीन हेयर इसमें क्या है लिमिट है ए से बी फंक्शन एक्स का इंटीग्रल दिया हुआ है और इसे इसके इक्वल रखा हुआ है लिमिट्स पे फोकस करना अब लिमिट हो गया है बी से ए आपको इस के की वैल्यू निकालनी है जब हम डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं यानी लिमिट्स की अदला बदली करते हैं अपर लिमिट बी है लोअर लिमिट ए है अब अगर मैं लिमिट्स को इंटरचेंज करूं यानी अपर लिमिट ए बना लूं लोअर लिमिट बी कर दूं तो यहां पर बाहर आपको माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समझे इस प्रॉपर्टी की हेल्प से अगर आप कंपेयर करें तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी माइनस वन माइनस वन यानी ऑप्शन ए देखिए क्वेश्चन थर्टीन का ऑप्शन ए सही हो गया ठीक है सिंपल सा क्वेश्चन है प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसमें कैसे करेंगे इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको निकालनी है एक काम करते हैं बच्चों इस इंटीग्रल को मैं आई एज्यूम कर लेता हूं ठीक है एंड लेट मी कॉल इट इक्वेशन फर्स्ट अब यहां जो प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा वो आज की क्लास में दो बार तो आपको लिख के मैं दिखा चुका हूं तीसरी बार नहीं दिखाऊंगा वेरिएबल एक्स को मैं चेंज करने वाला हूं अपर लिमिट माइनस एक्स से तो ये बनेगा देखो ऐसे ठीक है इस पूरे की पावर में हंड्रेड भी है ध्यान रखना तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया ऐसे लिख दिया भाई माइनस कॉस अगेन वेरिएबल एक्स को हम चेंज कर रहे हैं अपर लिमिट माइनस एक्स से और इस पूरे की पावर में भी हंड्रेड ही है ठीक है ये क्या बनेगा जीरो से पाई बाई टू साइन नाइनटी माइनस एक्स क्या बना कॉस एक्स तो पावर वाले हंड्रेड को मत भूलना आपको ऐसे मिलेगा कॉस 90 माइनस एक्स यानी साइन एक्स और पावर वाले हंड्रेड को मत भूलना ठीक है बच्चों यानी फाइनली आपको ऐसे मिल गया इसे देखो और फर्स्ट इक्वेशन को देखो फर्स्ट इक्वेशन को माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आएगा ये रहा फर्स्ट इक्वेशन माइनस वन से मल्टीप्लाई करो ये वाला इंटीग्रेंट आपको मिल जाएगा ठीक है बच्चों यह सब इक्वल चल रहा है आई के साइड चेंज करो तो टू आई विल बी इक्वल टू जीरो आई की वैल्यू आ जाएगी जीरो मतलब इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आ गई है ऑप्शन बी को देखिए क्वेश्चन फोर्टीन का ऑप्शन बी सही हो गया ठीक है बच्चों नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन आप लिमिट देख रहे होंगे बेटा थ्री से सिक्स है और इंटीग्रेंड है x अपॉन एक्स स्क्स वन टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करो ऊपर आएगा एक्स तो ही और ये डिवाइड वाला 2 मैंने बाहर रखा है फिलहाल लिमिट है थ्री से सिक्स ये रहा डी एक्स शॉर्टकट यूज करने वाला हूं जो हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में सीखा था अगर आप लोगों ने एमसीक्यू लेक्चर नहीं देखा है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का तो किस चीज का अभी तक आप इंतजार कर रहे हैं जाके देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर में मैंने बहुत सारे शॉर्टकट बताए हैं ताकि एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको ईजी रहे जल्दी सॉल्व हो जाए ठीक है बच्चों वैसे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एनी वे यहां पर अगर ऐसी सिचुएशन होती है यानी ऊपर है डेरिवेटिव नीचे है फंक्शन नीचे वाले फंक्शन का ही डेरिवेटिव ऊपर दे रखा है न्यूमरेटर में तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ द फंक्शन प्लस में सी बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रल यहां पर देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया नीचे था एक्स स्क्स उसका डेरिवेटिव आएगा टू एक्स लेकिन ऊपर पहले तो एक्स दिया हुआ था इसलिए मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि नीचे वाले फंक्शन एक्स स्क्स वन का डेरिवेटिव ऊपर आ जाए यानी टू एक्स ऊपर आ जाए आ तो चुका है समझे डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन क्या लिखेंगे लॉग ऑफ द फंक्शन बाहर वाले हाफ को मत भूलना तो ये रहा हाफ हम लिखेंगे लॉग ऑफ द फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन इसमें आपका लिमिट भी है लिमिट क्या है बेटा थ्री से सिक्स ये रहा थ्री ये रहा सिक्स अपर लिमिट पुट करोगे लॉग थर्टी सेवन बन जाएगा देखो ध्यान से सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस वन यानी थर्टी सेवन अपर लिमिट हो चुका है माइनस लोअर लिमिट तो थ्री स्क्वायर प्लस वन यानी टेन अब ऐसा किसी ऑप्शन में है तो अच्छी बात है वरना मोडिफिकेशन हम कर लेंगे लॉग थर्टी सेवन अपॉन टेन बेसिकली यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी हम लगाएंगे लॉग एम माइनस लॉग एन वाली तो लॉग एम अपॉन एन लग जाएगा ऐसे अब इसे ढूंढो अपने किसी भी ऑप्शन में जहां पर भी मिल जाए बस वही आपका सही होगा ऑप्शन डी को देखिए बेटा ऑप्शन डी सही हो गया क्वेश्चन फिफ्टींथ का ठीक है आगे बढ़े लेट्स नाउ टू क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज़ बेस्ड ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट दे रखी है, जीरो से है की कहानी क्या होती है बेटा मैं आपको समझा रहा हूं ध्यान से देखिए अगर x इस इंटरवल में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जीरो आएगी फिर इसके बाद अगर x इस इंटरवल में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वन आएगी अगर एक्स इस इंटरवल में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू टू आएगी ठीक है इन तीनों को हमें यहां पर यूज करना होगा हम लोग क्या करेंगे लिमिट्स को ब्रेक करेंगे जीरो से फाइव बाई टू मतलब इंटीग्रल वैल्यूज के हिसाब से हम ब्रेक करेंगे तो जीरो से वन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फिर हम लेंगे वन से टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फिर हम लेंगे टू से थ्री बट ये फाइव बाई टू पे लिमिट आपका बंद हो गया है तो हम टू से थ्री नहीं लेंगे हम लेंगे टू से फाइव बाई टू फाइव बाई टू का मतलब क्या हुआ टू पॉइंट फाइव है ना तो थ्री से तो पीछे ही रहोगे फिलहाल यहां पर इंटीग्रेंट क्या बन जाएगा इस वाले में तो ये बन जाएगा जीरो इस कंडीशन को देखिए फर्स्ट कंडीशन अगर एक्स जीरो और वन के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको जीरो देता है अगले वाले में चलोगे तो ये है आपका वन से टू ये बनेगा वन डीएक्स एंड नेक्स्ट वाले में है टू से फाइव बाई टू यह आपको देगा टू डी एक्स ये वाला ठीक है बेटा जीरो का इंटीग्रल तो भाई जीरो ही हो जाएगा छोड़ दो उसे यहां पर वन का वन एक्स हो जाएगा लिमिट ये रही यहां पर यह बनेगा टू एक्स लिमिट आपके पास है टू से फाइव बाई टू अब इसमें अपर लिमिट डाल देंगे तो टू लोअर लिमिट डालेंगे तो वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इस टू को बाहर करिए अपर लिमिट डालोगे तो फाइव बाई टू लोअर लिमिट डालोगे तो माइनस टू हो जाएगा ऐसे ये वन बनेगा टू इन टू हाफ चेक करिए मेरी कर नहीं फाइव बाय टू माइनस टू एलसीयम ले लो ठीक है ना अब इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा टू यानी ऑप्शन ए को देखिए सिक्सटीन ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है बच्चों नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रल है लिमिट 0 से पाई फंक्शन आपके पास है आपको इनमें से जो भी सूटेबल ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना है एक काम करते हैं इस पूरे इंटीग्रल को मैं आई मान लेता हूं जो भी प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा आज की क्लास में पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं और मैं कम से कम दो बार लिख के आपको दिखा चुका हूं x की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स यह करने वाला हूं ठीक है तो ध्यान से देखना बेटा f ऑफ 2x है मेरे पास मैं क्या करूंगा x की जगह पे पाई बाई टू माइनस एक्स लिखूंगा फिर बाहर है साइन x अगेन x की जगह पे मैं क्या करूंगा पाई बाई टू माइनस एक्स लिखूंगा अपर लिमिट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ x ठीक है बेटा फिर अगले स्टेप में ये क्या बनेगा लिमिट में तो कोई चेंज होगा नहीं एफ ऑफ इस टू को ब्रैकेट में भेजिए ये आपको देगा साइन पाई माइनस टू एक्स एक बार ध्यान से देख लो मैं साइड हो जाता हूं टू को अंदर भेजेंगे पाई माइनस टू एक्स ठीक है अगले वाले में आ जाओ इस वाले में साइन पाई बाई टू माइनस एक्स यानी कॉस एक्स अब थोड़ी सी क्वाड्रेंट की नॉलेज तो आपको याद होगी बेटा साइन पाई माइनस थीटा इसकी बात कर रहा हूं साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा यहां पर थीटा का मतलब टू एक्स है ठीक है तो ये बन जाएगा एफ ऑफ साइन टू एक्स और बाहर ये कॉस एक्स ठीक है अब ऐसा किसी ऑप्शन में है या नहीं जीरो से पाई मतलब इसको तो छोड़ो इसकी बात तो हम नहीं करेंगे फिर है जीरो से पाई बाई टू एफ ऑफ साइन टू एक्स कॉसेक्स डी एक्स यानी ऑप्शन बी वाले को आप यहां पर सेलेक्ट कर लो क्वेश्चन सेवनटींथ ऑप्शन भी सही हो गया बच्चों ठीक है क्वेश्चन नंबर एटीन पे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन एटीन ये रहा बच्चों इसमें हमें फिर से वही प्रॉपर्टी लगानी होगी इंटीग्रल को मैं आई बोल देता हूं ठीक है साइनेक्स में एक्स की जगह पे आपको लिखना होगा पाई बाई टू माइनस एक्स एक्स की जगह पे मैं साइड में करके दिखा देता हूं ताकि मैं डायरेक्टली कर लूं तो एक्स की जगह पे आप लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स तो ये बन जाएगा कॉस एक्स सिमिलरली कॉस एक्स भी आपको दिख रहा होगा आपके क्वेश्चन में है ना डिनोमिनेटर में ये टू की पावर में तो इसमें भी एक्स की जगह पर आपको लिखना पड़ेगा अपर लिमिट माइनस एक्स दैट मीनस ये बन जाएगा साइन एक्स मेरा मतलब ये है कि प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद इंटीग्रल आई कैसा बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूं जीरो से पाई बाई टू का लिमिट है न्यूमरेटर में है टू की पावर साइन एक्स तो एक्स की जगह आप लिखेंगे पाई बाई एक्स। साइन पाई बाई नीचे आ जाओ टू की पावर साइन एक्स यानी टू की पावर कॉस एक्स में चेंज होगा और टू की पावर कॉस एक्स एक्स, एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स यानी कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स ये रहा मतलब साइन एक्स ऐसे और डीएक्स तो है ही तुम्हारे पास ठीक है बच्चों इसे फर्स्ट इक्वेशन एंड इसे सेकंड इक्वेशन बोलो दोनों को ऐड कर दो जब दोनों को आप ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने के लिए बोला मैंने जब दोनों को ऐड कर दोगे लिमिट्स सेम से है दोनों इंटीग्रेंड के डिनोमिनेटर सेम है न्यूमनेटर वाले आराम से ऐड हो जाएंगे ऊपर आएगा टू की पावर साइन एक्स प्लस टू की पावर कॉशेक्स नीचे भी सेम चीज आ रही होगी देख लो ध्यान से हो के आपको सिर्फ वन देके जाएगा वन का इंटीग्रल आप सभी लोग कर सकते हैं मतलब एक्स आएगा जिसमें हमें लिमिट भी लगाना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इट विल बी ओनली पाई ये अभी तक टू आई की वैल्यू आ रही थी आई की वैल्यू आ जाएगी पाई पाई यानी ऑप्शन ए को देखिए ध्यान से बेटा ऑप्शन ए सही हो गया क्वेश्चन नंबर एटीन का ठीक है आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन

ठीक है आप चेक करके देख लेना मैं कैसे करूंगा ध्यान से देखना बेटा इसे हम आई मान लेंगे सबसे पहले राइट इसे फर्स्ट इक्वेशन बोलिए और प्रॉपर्टी में आपके लिए साइड में लिख रहा हूं ध्यान से देखना बेटा ए टू बी लिमिट अगर है तो वेरिएबल एक्स को अब हम कैसे चेंज करेंगे ध्यान से देखना एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स यानी ए प्लस बी माइनस एक्स किसकी जगह पे वेरिएबल एक्स की जगह पे क्या किया मैंने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स यहां पर आ जाओ आई क्या बनेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको दिख रहा होगा यहां पर आप क्या करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स इफेक्टिवली पूरा बनेगा माइनस एक्स नीचे भी यही करना होगा e की पावर में x है ना x की जगह पे माइनस पाई बाई टू प्लस एक्स तो डायरेक्टली मैंने इसको minus x लिख दिया है ध्यान से देखिए ठीक है डिनोमिनेटर वाले को देख लो यहां पर कॉस का एंगल बनेगा माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स बेसिकली कॉस एक्स ही रह जाएगा यानी इंटीग्रल क्या बनेगा बेटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ऊपर वाला सिर्फ कॉस एक्स रहेगा नीचे है वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स ऐसे ठीक है बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ई e की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूमरेटर में ऐसा आएगा नीचे आएगा ई e की पावर एक्स प्लस वन मतलब उसे मैं वन प्लस ई की पावर एक्स ही लिख रहा हूं ठीक है इसे आप सेकंड इक्वेशन बोल दो बेटा ठीक है अब हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करेंगे ध्यान से देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है सेकंड इक्वेशन क्या है दोनों को ऐड करोगे एल में हो जाएगा टू आई दिस विल बी टू आई आरएचएस में क्या होगा लिमिट है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू अपने इंटीग्रेंट्स को ध्यान से देखो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है न्यूमोनिटर में कॉशेक्स भी आपको दिख रहा होगा कहने का मतलब यू कैन टेक कॉशेक्स ओवर वन प्लस ई टू दावर एक्स कॉमन फर्स्ट इक्वेशन में से आपको वन मिलेगा और सेकेंड इक्वेशन में से आपको ई e की पावर एक्स मिलेगा न्यूमोरेटर में एक बार ध्यान से देखिए ठीक है. है अब ये दोनों तो कट जाएंगे वन प्लस ई टू दावर एक्स वाले कट जाएंगे आपको मिलेगा टू आई इज इक्वल टू लिमिट है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू सिर्फ कॉश एक्स यहां पर बचा होगा अब इस फंक्शन यानी कॉशेक्स को चेक करना है इवन इवन फंक्शन 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 या के लिए तो चेक कर सकते हो ये आपका इवन आएगा लेकिन अब बे मतलब में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सीधा इंटीग्रल आपको टू देगा ये अभी तक टू आई की वैल्यू आ रही है बेटा ध्यान से देख लो तो टू आई की वैल्यू टू है तो आई की वैल्यू आ जाएगी वन यानी आपके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी क्वेश्चन ऑप्शन बी इज करेक्ट ध्यान से देखिए मैंने क्या सिखाया है आपको ठीक है बच्चों? क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ बढ़ते हैं नाउ वी है एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स और इस इंटीग्रल की वैल्यू बता रखी है के टाइम्स एफ एक्स डीएक्स विद इन द लिमिट जीरो ठीक है आपको के की वैल्यू बतानी है अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो आज की क्लास में बताया है मैंने आपको अगर आपको याद हो तो बेसिकली यहां पर ये किसके इक्वल होता है ये होता है टू टाइम्स जीरो से एफ एक्स डीएक्स एक कब जब ये कंडीशन हो ठीक है तो अब जरा इस रिजल्ट को इसके साथ कंपेयर करो तो के की वैल्यू क्या है इट इज टू मतलब ऑप्शन डी को एक बार देखो ध्यान से ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के लिए ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट को देखते हैं इसमें क्या है बच्चों एक फंक्शन दे रखा है आपको और इसे आपको चेक करना है इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन के लिए ठीक है ऑप्शन डी में पैरामेट्रिक फंक्शन भी लिखा हुआ है वेल पैरामीट्रिक फंक्शन तो बिल्कुल नहीं है इसको हटा ही दो देख लेते हैं बेटा यहां पर एक्स की जगह पे माइनस एक्स करेंगे तो क्या देगा हमें यह एक्स की जगह पे माइनस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अब करके दिखाना है तो दिखा देता हूं वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो एमसीक्यू ही तो सॉल्व कर रहे हो बच्चों तो ये बन जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स आप ध्यान से देखिए मैंने कैसे लिखा है ये तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन ही बनेगा रूट में उसको आगे कर दिया और ये माइनस एक्स पीछे कर दिया ठीक है फिलहाल एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ माइनस एक्स में कोई भी रिलेशन नहीं है तो अब मैं क्या करूंगा यहां पर ध्यान से देखिए ब्रैकेट लगा रहा हूं ब्रैकेट में ही रेशनलाइज करने वाला हूं इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड ठीक है न्यूमरेटर में क्या बनेगा ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा नीचे क्या आ चुका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स न्यूमरेटर में आपको सिर्फ वन दिख रहा होगा नीचे है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में एक्स अब यहां से एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जो आज की क्लास में पहले भी मैंने आपको बताया है फंक्शन जिसके ऊपर भी अप्लाई हो रखा है अगर हम उसका उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो बाहर एक नेगेटिव लगाना पड़ता है तो नेगेटिव लगा दिया इसका मैं उल्टा करूंगा तो ये बन जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्स वन एक बार ध्यान से देखिए ये जो अभी मैंने लिखा है और आपका एफ एक्स बिल्कुल सेम है दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया लेकिन बाहर एक नेगेटिव है बाहर एक नेगेटिव है इसे देखो यहां पर ठीक है बच्चों तो इस कंडीशन में आपका फंक्शन एफ कैसा फंक्शन हो गया दिस इज ऑड फंक्शन ऑड फंक्शन यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन ट्वेंटी वन ऑप्शन ए सही हो गया ठीक है बच्चों अच्छा क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू की तरफ नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हमें यहां पर इंटीग्रेंट दिया हुआ है टेन स्क्वायर टू एक्स लिमिट है जीरो से पाई बाई एट इसका वैल्यू हमें निकालना है टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस वन ठीक है यहां थीटा का मतलब है टू एक्स लिमिट है जीरो से पाई अपॉन एट सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा टेन थीटा एंगल थीटा मतलब टू एक्स लीनियर है उसका डेरिवेटिव आएगा टू उससे इस पूरे को डिवाइड भी करेंगे ठीक है फिर माइनस वन मतलब माइनस एक्स और इस पे हमें लिमिट लगानी है जीरो से पाई अपॉन वाली ऐसे ठीक है बच्चों अपर लिमिट डाल देते हैं वन बाय टू टेन टू टाइम्स एक्स टू टाइम्स पाई अपॉन एट क्या बनेगा पाई अपॉन फोर माइनस x यानी पाई अपॉन एट अपर लिमिट हो चुका है माइनस लोअर लिमिट हाफ टेन टू टाइम्स एक्स टू टाइम जीरो जीरो ही रहेगा माइनस एक्स यानी माइनस जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, उसको हम छोड़ देंगे टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है बेटा तो वन होती है वन बाई टू इंटू वन माइनस पाई अपॉन एट तो ऐसा किसी ऑप्शन में तो नहीं है मतलब हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना होगा एलसीएम ले लेते हैं यहां आएगा फोर माइनस पाई 4 π 8 ऑप्शन ए को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन ए सही हो गया ठीक है बच्चों आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं नाउ वी हैव असर्शन एंड रीज़न टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चन 23 से लेकर 25 तक तो यहां पर assertion वाले स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है ये जो इंटीग्रल है इट इज इक्वल टू π 10 इसको तो सॉल्व करके देखना पड़ेगा रीज़न वाले स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी लिखी गई है जो कि बिल्कुल सही है मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट ट्रू है यह प्रॉपर्टी आज की क्लास में हमने यूज भी तो किया है इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से असरसन को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि यह के इक्वल आएगा तो ठीक है ट्रू बोल देंगे अदरवाइज फॉल्स ठीक है उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन को भी मार्क करना होगा तो यहां पर यह जो इंटीग्रल है ना इसे हम आई मान लेंगे ठीक है बच्चों और फिर उसे फर्स्ट इक्वेशन भी कह देंगे राइट right? मैं यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया इसे आई के इक्वल और फर्स्ट इक्वेशन भी ठीक है प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो क्या होगा लोअर लिमिट है पाई अपॉन फाइव अपर लिमिट है थ्री पाई अपॉन टेन ध्यान से सुनना एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना है ए प्लस बी माइनस एक्स यहां पर ए का मतलब है पाई अपॉन फाइव प्लस बी बी का मतलब है थ्री पाई अपॉन टेन माइनस एक्स एक्स की जगह पे आपको यह लिखना होता है इसका सिंप्लीफिकेशन कर लो तो यह आपका आ जाएगा पाई अपॉन टू माइनस एक्स देखो ध्यान से समझे कि नहीं ठीक है फाइव पाई अपॉन टेन माइनस एक्स आएगा तो फाइव पाई अपॉन टेन का मतलब क्या हुआ पाई बाई टू हुआ ठीक है कहने का मतलब इस वाले इंटीग्रल में जिसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोला एक्स की जगह पे हमें लिखना होगा पाई बाई टू माइनस एक्स तो मैं डायरेक्टली लिखने वाला हूं ध्यान से देखिए की जगह पे हम लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स और पूरे का अंडर रूट भी है बच्चों डिनोमिनेटर में आ जाओ ये आपका आएगा साइन एक्स की जगह पे पाई बाय टू माइनस एक्स अंडर रूट कॉस एक्स है इसमें भी x की जगह पे हम लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स अब यहां पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी बच्चों ये आपके लिमिट्स हैं पाई बाई फाइव और ये है थ्री पाई अपॉन टेन ये बनेगा अंडर रूट कॉस एक्स ध्यान से देखिए नीचे वाला अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स और ये रहा डीएक्स इसे सेकेंड इक्वेशन बोल दो फर्स्ट इक्वेशन वाला इंटीग्रल ये रहा सेकंड इक्वेशन ये रहा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है दोनों को जैसे ही ऐड करोगे फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे आपको मिलेगा टू आई इज इक्वल टू लिमिट है पाई अपॉन फाइव से थ्री पाई अपॉन टेन इंटीग्रेंड सिर्फ वन बच जाएगा ऐड करके देख लो पता चल जाएगा ठीक है इसमें हम अब इंटीग्रल कर लेंगे तो वन का इंटीग्रेशन ये रहा अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है ये पाई अपॉन फाइव से लेकर थ्री पाई अपॉन टेन तो आप लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ठीक है इसको सॉल्व करना क्या आएगा बच्चों ये आएगा पाई अपॉन टेन एल्सियम लेके देखो ना समझे कि नहीं ये किसकी वैल्यू आई है क्या यही आपको असरसन में दिख रहा है तो ध्यान से देखना बेटा मैंने पूछा ये किसकी वैल्यू आई है तो ये तो टू आई की वैल्यू है ना समझे आपको तो सिर्फ आई की वैल्यू निकालनी है तो आई की वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन टेन का हाफ यानी पाई अपॉन ट्वेंटी नाउ दिस इज नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट ऑफ असरसन मतलब असरसन का स्टेटमेंट हो गया फॉल्स असरसन फॉल्स है रीजन तो ट्रू था ही पहले ही बता दिया मैंने तो यहां पर ऑप्शन डी को हम मार्क करेंगे असरसन फॉल्स रीजन ट्रू ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यानी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर इसमें और रीजन के स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है सबसे पहले रीजन को देख लेते हैं अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो यह कंडीशन होती है बिल्कुल सही है आज की क्लास में आपको बताया भी था मैंने है ना हमने इस प्रॉपर्टी को कई बार यूज भी किया है कई क्वेश्चंस में अगर एफेक्स यहां ऑड फंक्शन होगा तो क्या आंसर आएगा बता चुका हूं आज के क्लास में और यूज भी कर चुके हैं फिलहाल असरसन में आ जाओ आपके पास फंक्शन ये रहा लिमिट्स को हम देख पा रहे हैं लिमिट्स बिल्कुल सेम है मैग्नीट्यूड में लोअर लिमिट नेगेटिव है तो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के लिए हम चेक करेंगे इस फंक्शन को तो यहां पर एफ एक्स का मतलब है इंटीग्रेंड इज साइन स्क्वास एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर यानी माइनस साइन एक्स जिसका स्क्वायर करोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू एफ एक्स देखो ध्यान से यानी फंक्शन एफ कैसा आ गया फंक्शन एफ इवन फंक्शन आ जाएगा बच्चों अब अगर फंक्शन एफ इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टी तो यहां लिखी हुई है पूरे इंटीग्रल का डबल होगा लोअर लिमिट जीरो आएगा अपर लिमिट सेम रहेगा इंटीग्रेंट भी सेम रहेगा और यही तो असरसन में लिखा हुआ है यानी का स्टेटमेंट ट्रू है मोर ओवर रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरसन दैट मीन्स यहां पर ऑप्शन ए को हम मार्क करेंगे बोथ असरसन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरसन ध्यान से देखिए ठीक है।, है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव की तरफ नाउ वी हैव क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव इसमें इस इंटीग्रल इस की वैल्यू को ट्वेंटी फाइव पाई अपॉन फोर के इक्वल बोला हुआ है इन द स्टेटमेंट ऑफ असर रीजन में आपके पास एक प्रॉपर्टी है जीरो से टू एक्स डी एक्स इज इक्वल फंक्शन ये बात गलत है इसके दो आंसर आते हैं इस इंटीग्रल के दो आंसर आते हैं एक आंसर तो ये लिखा हुआ है ये कब होता है जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो ठीक है इसका दूसरा आंसर आता है जीरो कब जब एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाए समझे प्रॉपर्टी आज की क्लास में पहले भी बता चुका हूं आपको मैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि रीजन वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहां पर यह कंडीशन लिख दी है फॉर ऑल द रियल फंक्शन सभी फंक्शन के लिए ऐसा नहीं होता है दैट मीन ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया रीजन का स्टेटमेंट फॉल्स हो गया असरसन पक्का ट्रू होगा यहां पर ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए बट असरसन वाले को भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए ये तो सीधा सा क्वेश्चन है ये बनेगा आपका x बाय टू अंडर रूट ट्वेंटी फाइव माइनस एक्स स्क्वा प्लस ट्वेंटी फाइव बाई टू इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन फाइव जिस पे हमें लिमिट लगानी है जीरो से फाइव यानी इंटीग्रल डायरेक्टली हो जाएगा सिर्फ लिमिट डाल के कैलकुलेशन करनी है और वेरीफाई करना है कि ट्वेंटी फाइव पाई अपॉन फोर आ रहा है आना ही चाहिए तभी तो असरसन ट्रू बनेगा ठीक है चलिए देखते हैं जरा तो यहाँ पर अपर लिमिट डालोगे तो अपर लिमिट डालोगे तो ये पहले वाला तो जीरो हो जाएगा ये बनेगा ट्वेंटी फाइव अपॉन टू साइन इनवर्स वन यानी पाई बाई टू आ जाएगा माइनस तो यह बनेगा जीरो प्लस ट्वेंटी फाइव अपॉन टू साइन इनवर्स जीरो जीरो इफेक्टिवली ये वाला ब्रैकेट तो जीरो रह जाएगा यहां पर आपको क्या मिल रहा है ट्वेंटी यही तो असरसन में बोला हुआ है मतलब असरसन का स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था ऑप्शन सी सही होगा बिकॉज रीजन फॉल्स है असरसन ट्रू है ठीक है बच्चों विद दैट आई वुड लाइक टू वाइंड अप द क्लास फॉर नाउ अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में टिल देन आप इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस जरूर करना ठीक है बच्चों? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन बी गुड टेक केयर ऑल द बेस्ट